हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूँ संगम इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। मैं आपका दोस्त के मेरे पास एक काइसेंस का सीआरटी टीवी आया है। यहाँ टीवी एलजी कंपनी का है और इसमें का प्रॉब्लम है दोस्तों पावर सप्लाई का। जब पावर को चालू कर रहे तो इसमें का इंडिकेटर लाइट नहीं जल रहे। चलिए एक बार मैं आप लोगों को चालू करके दिखाता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, मैं वायर को कनेक्ट कर लिया हूँ और पावर को ऑन करके देखेंगे। पावर को ऑन करने के बाद भी इसमें इंडिकेटर लाइट नहीं जल रहा है, यही परेशानी है इस टीवी का। तो इसे मैं आप लोगों को रिपेयर करके दिखाऊंगा। उससे पहले इसके मैं बॉडी को खोलकर आप लोगों को दिखाता हूं दोस्तों। टीवी को देख सकते हो दोस्तों, इसका बॉडी को मैं खोल लिया हूं और इसमें बहुत सारा धूल जमा हुआ है। तो सबसे पहले इसको मैं साफ करके दिखा रहा हूँ। इस प्रकार अच्छे से साफ कर देंगे दोस्तों, उसके बाद बताएंगे इसमें कहाँ से प्रॉब्लम आया है और क्या क्या चीज़ खराब हुए। उसके बाद इसके किट को इस तरह निकालेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, मैं साफ़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं इस पीसीबी और टीवी को अच्छे से साफ़ कर लिया हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें का इस वाले पावर सप्लाई को चेक करके देखेंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, ये वाले वायर में एसी वोल्ट यहाँ पर चेक करेंगे जो घर के लाइन से आया है। तो चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप चेक करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले मल्टीमीटर को एसी 600 वोल्ट रेंज में रख दूंगा। देख सकते हो दोस्तों, मैं 600 वोल्ट रेंज में रख दिया हूं और पावर को ऑन कर देंगे। इस वाले लीड वायर में 230 वोल्ट चेक करेंगे जो घर का लाइन रहता है। ये वाला हो गया दोस्तों, इसमें चेक करेंगे, देख सकते हो 255 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर फ्यूज लगा, इसे चेक करेंगे, ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ से होकर यहाँ पर आया है, इसमें भी ठीक है, 255 आ रहा है। उसके बाद इस पर कॉइल लगा है, कॉइल को देखेंगे, इसमें भी ठीक आ रहा है। उसके बाद ट्रैक करेंगे, यहाँ से होकर इधर इसमें आया है, देख सकते हो दोस्तों, ये भी ठीक है। उसके बाद इसमें आया है, उसके बाद यहाँ से यहाँ चेक करेंगे, देख सकते हो दोस्तों, मल्टीमीटर को 255 आ रहा है। और यहाँ से होकर सीधा यहाँ डायोड में गया है, रेक्टिफायर डायोड, देख सकते हो यहाँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैं इस पार चेक करके दिखाऊंगा, 255 ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पावर ऑन आपका बटन लगा है, उसे चेक करेंगे, देख सकते हो दोस्तों इस पार नहीं आ रहा है। चलिए एक बार मैं इसको ऑन ऑफ करके देखता हूँ, लाइट चल गया। उसके बाद एक बार और चेक करके देखता हूँ, देख सकते हो 255 आ रहा है। उसके बाद इस पार चेक करेंगे, इस पार देख सकते हो दोस्तों कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन लगा है, लेकिन इस पर चालू करने के बाद भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर बटन काम नहीं कर रहा है, इस कारण से सप्लाई को इस पार नहीं भेज पा रहा है। और मैं एक बार आप लोगों को मेन फिल्टर में चेक करके दिखाता हूँ, देख सकते हो इसमें भी कम वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन लगा है, इसके ख़राब हो जाने के कारण सप्लाई को इधर नहीं भेज पा रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस वाले सप्लाई को स्टार्ट करके देखूंगा। तो चलिए मैं स्टार्टिंग करके आप लोगों को दिखाता हूं। मैं पावर को बंद कर दिया हूं और इस मेन फिल्टर में डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है, डिस्चार्ज कर दिया हूं। इसमें सप्लाई नहीं जा रहा है तो करंट नहीं जमा है। तो मैं आप लोगों को जंपर करके दिखा रहा हूं, ऐसे भी करके स्टार्ट कर सकते दोस्तों, लेकिन मैं किसी को दिखा रहा हूँ जंपर मार कर। इसी प्रकार आप लोगों को रिपेयर करना है, देख सकते हो दोस्तों मैं जंपर मार दिया हूँ। चलिए मैं एक बार वो चेक करके दिखाता हूँ, इसमें वोल्टेज आ जाना चाहिए, ठीक है, 255। और इस पर चेक करेंगे, देख सकते हो दोस्तों इस पर आ गया है 255, अब ठीक हो गया है। और इसमें चेक करेंगे, यहाँ से आया है, उसके बाद यहाँ से होकर इसमें गया है और इसमें होकर यहाँ रेक्टिफायर में गया है, यहाँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इस वाले मेन फिल्टर में चेक करेंगे। मैं मल्टीमीटर को डीसी 600 वोल्ट रेंज में रख दूँगा और चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों, 350 वोल्ट आना चाहिए, देख सकते हो दोस्तों 354 आ रहा है, यहाँ बिल्कुल ठीक है। इस पर भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। और इसमें चेक करेंगे, यहाँ पर एसटीआर लगा है, उसमें जा रहा है कि नहीं, देख सकते हो दोस्तों इसमें भी जा रहा है,
लेकिन यहाँ एसटीआर खराब हो जाने के कारण 353 बता रहा है। अगर यहाँ सही रहता तो इसमें चेक करते तो मीटर शो नहीं करता, लेकिन इसमें शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ एसटीआर खराब हो गया है। तो इसको मैं चेंज करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए मैं इस एसटीआर को निकाल कर दिखा रहा हूँ। पावर को बंद कर दिया हूँ और इसे डिस्चार्ज कर देंगे। अगर नहीं करोगे तो करेंट लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ मेन फिल्टर में करेंट जमा रहता है। तो मैं इसके एसटीआर को निकाल कर दिखा रहा हूँ। इस एसटीआर का नंबर है 6554। तो मेरे पास इस नंबर का एसटीआर नहीं है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, उसके जगह में इस वाले चाइना मॉड्यूल को लगा लूँगा। और इसका वीडियो भी बना लिया हूँ दोस्तों, किस तरह पावर सप्लाई में मॉड्यूल लगाया जाता है। देख सकते हो दोस्तों, मैं चाइना मॉड्यूल को लगा लिया हूँ और इसे लगाकर मैं नहीं दिखाया हूँ, क्योंकि इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो चलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को उल्टा चेक करके दिखाता हूँ। मैं पावर को चालू कर लिया हूँ और यहाँ पर देखेंगे 110 वोल्ट आना चाहिए। देख सकते हो दोस्तों, 113 वोल्ट आ रहा है, यहाँ भी ठीक है। और टी वी स्टैंड बाई से रिलीज हो गया है। तो चलिए मैं इसमें टी वी स्क्रीन को दिखाता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, टी वी को इसमें ए वी लिखा गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को वीडियो चलाकर दिखाता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, मैं इस टीवी के सभी वायर का कनेक्ट कर लिया हूँ और ये हो गया ऑडियो वीडियो का। तो पावर देकर दिखाता हूँ। मैं पावर को चालू कर लिया हूँ और यहाँ पर देख सकते हो इंडिकेटर लाइट भी जल गया है। और मैं आप लोगों को टीवी स्क्रीन को दिखाता हूँ। टीवी स्क्रीन को भी देख सकते हो दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छे से चल रहा है, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी टीवी में पावर सप्लाई का प्रॉब्लम आए तो इसी प्रकार आप लोग स्टेप बाय स्टेप रिपेयर कर सकते हो और इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि हम लोग इसी प्रकार का वीडियो लाते रहते हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बनता है।